नमस्कार दर्शकों, इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खिद्रापुर में स्थित कोपेश्वर मंदिर की रोचक जानकारी देखने के बाद आज हम कोल्हापुर जिले के सांगवड़े गांव में श्री लक्ष्मी नरसिंह के प्राचीन और अनोखे मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसे कई घराने हैं जो लक्ष्मी नरसिंह को अपना कुल देवता मानते हैं। यहाँ आने वाले भाविक भगवान नरसिंह को नरहरि महाराज और नरसोबा के नाम से भी संबोधन करते हैं। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के तीन मुख्य भाग हैं। इनमें गर्भगृह, अंतराल मंडप और मुख मंडप शामिल है। यह मंदिर विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण है। इस मंदिर में भगवान नृसिंह स्वयंभू पाषाण के रूप में विराजमान है। भगवान नरहरि की विशेषता यह है कि यह न केवल भगवान विष्णु का रूप बल्कि इसमें भगवान शिव का भी अंश है। अन्य समस्त मंदिरों में देवी लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु की बाई ओर होता है, परंतु इस मंदिर में भगवान नरसिंह की पत्नी देवी लक्ष्मी का स्थान नरसिंह की दाई ओर है। इसका कारण यह है कि नरहरि रूप में विष्णु के साथ शिव का भी अंश है। मंदिर के अंतराल मंडप में नंदी जी विराजमान है। यद्यपि नंदी शिव जी का वाहन है, किंतु इस मंदिर में नरसिंह के सामने यह प्राचीन नंदी है। सांगवड़े का लक्ष्मी नरसिंह मंदिर अपने उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वैशाख के साथ चैत्र उत्सव भी मनाया जाता है तथा श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ पे भाविकों की भीड़ रहती है। भगवान नरसिंह की पालखी प्रस्थान के समय और पालखी मार्ग पर शिवहरि के नाम से अखंड जयघोष होता है। इसमें हमें हरिहर के एक आकार एकाकार रूप की भी अनुभूति होती है। धार्मिक रीति अनुसार भगवान नरसिंह को पुरुष सूक्त अथवा पंच सूक्त पवमान अभिषेक किया जाता है, किंतु इस मंदिर में भगवान नरसिंह को अभिषेक करते समय रुद्र सूक्त का भी पाठ किया जाता है। भक्त अपने कुलदेवता नरसिंह की मूर्ति को घोड़े पर बिठाते हैं, जो अश्वारूढ़ भैरव इस नाम से जाना जाता है। नरसिंह की उपासना मुख्यतः शनिवार को होती है, लेकिन सांगवड़े में सोमवार को भी उतना ही महत्व है। लक्ष्मी नरसिंह के बारे में आख्यायिका यह है, जब हिरण्यकश्यपु वध के बाद भी नरसिंह जब शांत नहीं हुए तो महादेव ने उन्हें शांत करने हेतु उग्र शरभ भैरव यानी पंखों वाला उग्र स्वरूप का सिंह का रूप धारण किया। इसी रूप से भद्रकाली, जटेश्वरी और प्रत्यंगिरा फिरंगई प्रकट हुई। इस शरभ से नरसिंह को युद्ध का आवाहन दिया। फिर भीषण युद्ध के दौरान दोनों ने एक दूसरे का ये उग्र कपट वेश खींच निकाला और दोनों मूल स्वरूप में आ गए। यही वो हरिहर का एकाकार रूप यानी गंड भेरुंड नरसिंह रूप है। गंड भेरुंड नरसिंह रूप में भगवान के कुल 8 मुख है। सिंह, वराह, भेरुंड, हयग्रीव यानी घोड़ा, भल्लुक यानी भालू, वानर यानी हनुमान, गरुड़ और बाघ। इन 8 मुखों सहित साथ में शरभ महादेव और सामने लक्ष्मी, ऐसा ये नरसिंह रूप है। स्वयंभू पाषाण रूप में विराजमान भगवान नरसिंह जी की उग्र तथा स्नेहमय दोनों रूप की अनुभूति करने हेतु एक बार यहाँ अवश्य भेंट दे। आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और
इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।